उन्होंने बोला आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, यही उन्होंने ही भेजा मुझे कि अब वो इन रिपोर्ट्स को नजर देंगे, फिर वही डिसीजन करेंगे कौन सा मेडिसिन रखना है। ये आप चेक कीजिए, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो कि अमेजिंग यार। क्या कर रहा था? नेवर गिव अप। ये साइकिल चला रहा है। कौन सा साइकिल? मोट्स बोलते हैं, गड़ी खंबा। क्या ये कौन सी मछली है? कौन? यही ये वाले। हाँ, इसको बोलते हैं ब्राइड यू। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनमान साकिब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वैसे मैं 12 दिन बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और व्लॉग क्यों 12 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, क्योंकि घर में शादी भी होने वाली है इंशाल्लाह भाई और बहन की, उसी वजह से मैं बिजी था घर में, और मैं बीमार भी था बहुत ही ज़्यादा। वैसे हमारी चैनल पे जो है 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, थैंक्स टू ऑल, आपने इतना सारा प्यार दिखाया मेरी चैनल पे, और आगे भी आप प्यार दिखाया कीजिएगा। अभी के लिए जी मैं जा रहा हूँ फिर से हॉस्पिटल। वैसे मैं परसों भी था, आज कुछ टेस्ट कराने थे, वो मैंने सारे डन करा लिए, और आज उनका रिपोर्ट आ गया और डॉक्टर को दिखाना है, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। और प्लीज़ दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बीमार था। सो अभी के लिए निकलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, तो चलते हैं। गाइज, वैसे मौसम तो आज बहुत ही मज़ेदार है, और निकलते हैं। वैसे पता नहीं फिर चलता है, अगर 4 बजेंगे तो फिर मौसम ही फुल अपना रंग बदल देता है। अभी देखिए बाहर से मौसम क्या हो रखा है, और वैसे पार्क की सफाई हमने की थी, अभी देखो कितनी प्यारी है लग रही है। और वहाँ पर और एक ऐड मैंने बीहाइव बॉक्स किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस उसमें हनी बीज अभी लानी बाकी है, जो कि हम इससे निकालेंगे, इस वाले बीहाइव बॉक्स से। ये देखिए, और ये देखिए अब पार्क हमारी, इसमें अब थोड़े से फ्लावर्स लगाएंगे, वो मैं आज श्रीनगर से ही लाऊंगा अगर मिले तो निकल दे। वैसे मम्मा बोल रही थी मुझे बाजार तक आना है, तो निकल दे, पहले गाड़ी को हम निकालते हैं बाहर। इसको भी फंसाते हैं पहले इधर। बिस्मिल्लाह तवक्कलत अला अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। हाँ जी गाइज, निकल चुके हैं हम अभी हॉस्पिटल के लिए। वैसे अगर हुआ तो साकिब अभी मेरे साथ आएगी, क्योंकि वो बार बार के पास मेरा वेट कर रहे थे, उन्होंने भी बोला अब अम्मी भी आएगी बाजार तक, इनको थोड़ा सा काम है वहाँ पर। पहले जी मैं गेट करता हूँ बंद। वैसे आज G20 की वजह से रोड पर जो काम लगा हुआ है, और जो काम चल रहा है बिना रुके हुए। गाइज ये देखिए गुलमर्ग का रोड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है अभी, क्योंकि इस पे साइड से आप देख रहे हैं काम भी अभी चल रहा है, अभी लाइनिंग चल रही है, वाइट लाइनिंग साइड से। और ये देखिए क्या ही जच रहा है, आज फुल इस पे वर्क हो रहा है, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है। साकिब भाई की सेटिंग वैसे हो गई, अभी वो घर चला गया था, क्योंकि मैं उसका वेट कर रहा था यहाँ पर, और वो देखो वो आ रहे हैं वहाँ से साकिब भाई। वाह वाह वाह, ये तो मॉडल बन के आया है यहाँ से, वाह वाह भाई जान, माशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैफ हाल का शेख, चशक बना मुझ मॉडल में। गाइज, मुझे तो कोई प्लान नहीं था वैसे बियर्ड की सेटिंग कराने का, बस इसने बोला मुझे भी करी और मैंने भी की। अभी देखो माशाल्लाह ये मॉडल लग रहा है, ओह शर्मा रहा है अभी बंदा। वैसे बासित भाई भी आ रहा है, वो भी हमारे साथ ही आएगा, फिर देखते पहले हम चेकअप कराते हैं, मैं मतलब पहले चेकअप कराता हूँ और फिर हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, क्यों साकिब भाई, है ना। तो बासित भाई आएगा, फिर उससे भी आपको मिलाएंगे। ये देखिए दूसरा बंदा भी आ गया है, और ये भी अभी बस गाड़ी में चढ़ने वाला। कब गए? ओहो, बासित भाई, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक छु? अच्छा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम टाइम अच्छा ठीक। आप देख रहे होगे कि इसको पता नहीं कौन से कपड़े लगा के थे, और आप इसने कौन से कपड़े लगाए, ये यहाँ से आ गया। मैं उनको
इसने पता नहीं कहां से घुमा फिरा के हमें पहुंचाया जेएलएनएम हॉस्पिटल। यहां पर मेरा चेकअप है, मतलब यहां पर मुझे रिपोर्ट दिखाना है। गवर्नमेंट जेएलएनएम हॉस्पिटल पार्किंग मजा था गाड़ी होती ऊपर तेज भीड़ वारिया बस पे। आप गाड़ी में ही बैठोगे? आप मेरे साथ नहीं आओगे? आप दो दो क्या करेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं आओगे? गाइस आपको पता है जब मैंने इसको कॉल की साकिब ने बोला ये भी आएगा, इसने बोला भैया मैंने चेक किया था कि कौन सा ये एक नंबर का डरपोक है। चल भाई मैं आपके साथ हूं। हां रुक रुक अलहमदिल्ला जी एक घंटे के बाद मेरी टर्न आई और डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखे। अब उन्होंने बोला आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, यही उन्होंने ही भेजा मुझे कि अब वो इन रिपोर्ट्स को नज़र देंगे फिर वही डिसीजन करेंगे कौन सा मेडिसिन रखना है। सो अभी बस वेट करते हैं, अभी वो लंच कर रहे हैं। वैसे मुझे भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी और कर भी कह सकते हैं। सो चलते हैं। अलहमदिल्ला ट्रीटमेंट हो गया और डॉक्टर ने जो दवाई सारी लिख दी अब वो लाएंगे और नई वेंसडे को आना है फिर से। ये दोनों तो मेरे साथ थे और मेरे साथ नहीं आए डॉक्टर के पास क्योंकि ये डरपोक है पीछे वाला। डरपोक है, उसने जब वहाँ पर बोला यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसको बोला आप अलाउड नहीं हो यहाँ पर। तो अभी हम निकलते हैं, कुछ खाते हैं पहले और फिर हम अच्छी तरीके से परहेज करेंगे। आज के लिए परहेज हमें करना नहीं है, उसको तो इज्जत वो रहे थे। सो गाइस निकलते हैं हम यहाँ से। स्लिप ओवर काचे राइट गाइस ये डल लेक का नज़ारा। गाड़ी पार्किंग में रखी है ऐसे बासित है माशाल्लाह मॉडल लग रही है। तो अभी शिकारा राइड करते हैं। शिकारा राइड करो तो हमेशा मॉडल दिख रहा हूँ भाई। क्या क्या सारी जैसा मॉडल गाइस चलते हैं। तो इन कश्मीरी वी से व्हिच इज मॉडल। हम इस टाइम डल लेक में, तो जब पिछली बार जब क्रोकोडाइल फिश पकड़ी थी वो मैंने ही पकड़ी। अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पे अपना ये रिव्यू नहीं किया क्योंकि अच्छा। इसलिए वहाँ पर एक लड़का था, उसने बोला मुझे वायरल होना है। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं करवा दूंगा आपको वायरल। अच्छा ठीक। तो जब उसने बोला कैसे, तो मैंने उसको बोला ये क्रोकोडाइल। अच्छा वैसे वैसे आप डल लेक की एक खूबसूरती एक लाइन में बयां कीजिए। डल लेक हाँ ये बहुत मशहूर जगह है ठीक जी। जब भी टूरिस्ट आते हैं जी वो पहले यही विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर स्कीम है। अच्छा और अच्छा ये क्या है, ये कौन सी मछली है? कौन यही ये वाले? हाँ इसको बोलते हैं ब्राइड व्यू। आप हमें बासित भाई हमें अब शिकारा राइड कराएंगे। हाँ। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है साकिब का। आपको पता है बासित भाई को पहला तनख्वाह आ गया तो आपको मेरे जेब खाली। तनख्वाह की सैलरी सैलरी ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो आप सारी पेमेंट खुद ही करोगे ठीक है? और कौन करता है? मैं ही करता हूं। हां बताएं तो चलते। ये देखिए डल लेक के नजारे अभी के। भाई कोची का सुन गया आते वो हाथ रुपया शिकार
फोन जी चंद से में तो अब जा रहे हैं हम शिकार पे। हाँ जी गाइज, अभी जो स्कारा राइड हो रही है बहुत ही मजा आ रहा है। बासित भाई की एक दो पिक्चर्स ली। और साकिब भाई कैसा मजा है, कहाँ से मजा है? और ये आप डल लेक की ब्यूटी देखिए, माशाल्लाह ये देखिए। सबसे जो मुझे प्यारी चीज लगी वो ये जो कि मस्जिद डल लेक में है अभी, माशाल्लाह। अभी हम ऐसे एक शॉप है जो कि डल लेक में ही है, यहाँ पर हमने मैगी ऑर्डर की है और मैगी खाएंगे। और जो शिकारा राइड में मज़ा आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो दोनों देखे कैसे लेटे हुए हैं वहाँ पर। बासित और साकिब भाई वैसे यहाँ पर फाइनली हमारी मैगी तो आ गई। Bro, it's very expensive. 60 रुपीज में इतना बहुत महंगा है। Amazing यार। साकी भाई इसके लिए एक वड़ा बोलो। साकी ये क्या कर रहा था? Never give up. ये साइकिल जा रहा है। कौन सा साइकिल? मोटर साइकिल। कौन सा साइकिल? मोटर साइकिल। जरूर साकिब क्या आपने बोला? घड़ी खंबा। ये रही दूसरी शिकार आज यहाँ से। एक्सीडेंट। ये आप चेक कीजिए, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो कि डल लेक में है। ये आपने वैसे देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा तो मैंने दिखाया। अरे भाई हमें दिखाओ, इनको क्या करना है? आप तो देखो वैसे शिकारा राइड में कितना मजा आया। बहुत आपको मजा आया साकिब भाई? आपको लुक एट मी ब्रो। गाइस फाइनली शिकारा राइड भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ मोहन भाई? हाँ घर जाएंगे। पहले रास्ते में कुछ खाएंगे। साकिब भाई बोल रहे कुछ नहीं खिलाऊंगा, जो भी पीछे बैठे हैं यही खिलाएंगे। इसके बगैर हम नहीं रह सकते भाई, आपको पता है। खाया तो बहुत कुछ पर हम भुक्कड़ है इसीलिए। ये ज़्यादा भुक्कड़ है और पीछे वाला भुक्कड़ है मैं नहीं, ये वाला। हाँ सो गाइस अभी वैसे ट्रैफिक जाम लगा है। बासित भाई तो ब्लॉग अभी कर रहे हैं। हाँ बासित भाई। हाँ जी जी जी। तो अब मैं आपको आईफोन शो करूँगा। तो चलो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। हाँ जी गाइस फाइनली पहुंच गए हम घर। और साकिब भाई और बासित भाई को मैंने रास्ते में ही ड्रॉप किया क्योंकि वो रास्ते में ही आगे रहते हैं। गाइस अब एक काम करते हैं, थक गए हम बहुत ज़्यादा, वैसे खाया तो रास्ते में ही कुछ। अब एक काम करते हैं फटाफट से 5-10 मिनट आराम करते हैं और फिर मुझे काम है, जाना है कहीं और। सो एक काम क्या करते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब भी करना और कमेंट और लाइक भी करना जरूर।